أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. As you know that we have started a lecture series in this subject, use of emerging technologies in library. Today I will present lecture number 13, titled Presentation Software. I myself, Abid Hussain, am Phil Elias. If you have any query or any feedback regarding my lectures, so you can write to abhishek@gmail.com. Now I'm coming towards presentation software. That what is it and what are its various functions in the libraries? Jo pehla slide hai, what does presentation software mean? Presentation software is a category of application software that is specifically designed to allow user to create presentation of ideas by stringing together text, images, and audio-video. Presentation tells a story or supports speech or the presentation of information. Presentation software, application software कहलाती है। ये किस चीज के लिए डिजाइन किया जाता है? ताकि यूजर अपनी प्रेजेंटेशन और आइडिया को टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में या ऑडियो-वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्टोरी बताता है, वो स्पीच फॉर्म में लोगों को ये इंफॉर्मेशन शेयर कराया जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड जनरल मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। बट मोस्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोवाइड टूल्स दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट बोथ प्रोफेशनल working business presentation and journal multimedia presentations. Presentation software is also known as presentation program. Presentation software की जो है दो अकसाम है। एक है business presentation, जब आप किसी business को present कर रहे, और या कोई journal multimedia authoring software, ये दो किस्म है ज्यादातर popular. इस दोनों का काम users को allow करना है कि अच्छा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें मल्टीमीडिया का यूज कराया जा सके। इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं कि यूज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इन द लाइब्रेरीज। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्ले अ वाइटल रोल इन लाइब्रेरीज बाय फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, एजुकेशनल आउटरीच एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बता दिया कि लाइब्रेरी में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम करती है, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए यानी इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए, एजुकेशनल आउटरीच को पहुंचाने के लिए भी जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के जरिए से, आपको जूम के जरिए से प्रेजेंट कर रहा हूँ। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। लाइब्रेरीज यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स टू conduct library orientation and training sessions for new patrons, students, faculty, and staff. Presentation course topics such as library services, resources, policies, research techniques, information literacy skill, and database navigation. Library में जब training या orientation होती है newcomers के लिए, वो चाहे faculty form में, students form में, या आम customer हो, या उनके लिए ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें जो लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल है किस पर्पस के लिए? अमूमन लाइब्रेरी में लाइब्रेरी सर्विसेज प्रेजेंट कर रहे हैं, या लाइब्रेरी के अंदर जो रिसोर्स है, या लाइब्रेरी की पॉलिसी के बारे में, या रिसर्च टेक्निक्स के बारे में, या इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स के बारे में, या डेटाबेस नेविगेशन, इन्हीं फॉर्म में जो है लाइब्रेरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोमोशन of library services. Presentation software is utilized to create visually appealing and information presentation promoting library services programs, event, workshop, exhibition and special collections. जब आपके पास library service और आप इसको promote करना चाहते हैं, तो इसी में भी presentation का इस्तेमाल किया जाता है। वो मुख्तलिफ फॉर्म में library services को promote करे, programs को promote करे, events को promote करे, workshops से उनमें से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जीबिशन कर रहे हैं या स्पेशल कलेक्शन जो आपके पास हो उसको प्रमोट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास रेयर बुक्स। रिसर्च प्रेजेंटेशंस।
Academic and research library use presentation software for research presentations, seminars, conference, and symposium. Libraries, faculty, researchers, and students create professional presentations to showcase research findings, methodologies, literature reviews, data analysis, and conclusion. Library में भी अगर एक रिसर्चर डिफेंस कर रहा है या फैकल्टी अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स के सामने, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसमें अपनी रिसर्च फाइंडिंग, मेथोडोलॉजीज, लिटरेचर रिव्यूज, डेटा एनालिसिस और कंक्लूजन सब को जो ना एक तरतीब वार जो ना प्रेजेंट कर रहे थे। लाइब्रेरी एजुकेशन एंड आउटरीच प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हेल्प लाइब्रेरी एजुकेट फॉर देयर वैल्यू इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट विद द कम्युनिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड स्टेक होल्डर्स। Libraries create education presentation highlighting their role and support education, research, lifelong learning, information access, diversify, equity and inclusion. Library में library advocacy और outreach program इसलिए करा जाता है ताकि अपनी library को promote करें, ताकि लोगों को attract करें। और ये advocacy program presentation में क्या होती है, highlight होती है library की तमाम services, एजुकेशनल मवाद पे, रिसर्च पे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे, इंफॉर्मेशन एक्सेस पे और इक्वली डिवीजन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्हीं चीज़ों को जो है लाइब्रेरी एजुकेशन प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा लाइब्रेरी रिपोर्टिंग एंड स्टेटिस्टिक्स, लाइब्रेरी यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर टू क्रिएट रिपोर्ट, स्टेटिस्टिकल समरी एंड डेटा विजुअलाइजेशन, शोकेसिंग लाइब्रेरी स्टेटिस्टिक्स, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, कलेक्शन एनालिसिस, पैटर्न डेमोग्राफिक्स एंड यूजर फीडबैक। Presentation help libraries communicate data, drive insight, assessment result, and performance metric to library stakeholders, administrator, and decision makers. आपने हर मंथ क्वार्टरली बेस या ईयरली लाइब्रेरी रिपोर्ट और स्टेटिस्टिक अपने हायर अथॉरिटी प्रेजेंट करना होता है, इसी के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, लाइब्रेरीज ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप, सेमिनार एंड ट्रेनिंग सेशन फॉर लाइब्रेरी स्टाफ, फैकल्टी एंड रिसर्चर्स। Presentation software is used to create instructional material, workshop slides, handouts, and resources covering topics such as information literacy instruction, technology skills, research methodology, citation styles, and scholarly communications. Professional development workshop में भी presentation का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें presentation software बनाया जाता है और उसमें जो है workshop के slides, handouts, और resources जो कि वेराइटी ऑफ टॉपिक को कॉल करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी स्किल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, साइटेशन स्टाइल्स और स्कॉलरली कम्युनिकेशन शामिल है। वर्चुअल लाइब्रेरी टूल्स प्रेजेंटेशन वर्चुअल लाइब्रेरी टूल्स आर प्रेजेंटेशन विजन फॉर ऑनलाइन यूजर्स, डिस्टेंस लर्नर्स एंड रिमोट पैटर्न्स। लाइब्रेरी आर यूजिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टू शोकेस देयर लाइब्रेरी फैसिलिटीज, कलेक्शन सर्विस, डिजिटल रिसोर्सेज, ऑनलाइन कैटलॉग, डेटाबेस एंड वर्चुअल सर्विस। जैसे कि लोग दूर है लाइब्रेरी नहीं आ सकते, तो आप प्रेजेंटेशन के जरिए वर्चुअल लाइब्रेरी टूर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें अपनी सर्विसेज के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, कलेक्शन के बारे में, ऑनलाइन कैटलॉगिंग के बारे में, डेटाबेस के बारे में और वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज के बारे में बताया जा सकता है। कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कोलाबोरेटिव फीचर्स अलाउ लाइब्रेरी स्टाफ टू कोलाबोरेट ऑन प्रेजेंटेशन, शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड ग्रुप projects, real-time editing, comments, version history, and cloud storage integrating, facilitated teamwork, content creation, and knowledge sharing among library staff members. Collaborative projects में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हर सेक्शन अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। In short, use of presentation software in libraries are diverse from time to time, region to region, and libraries to libraries. आपने देखा होगा कि बाज लाइब्रेरी में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, बाद में कम, जहाँ पे आबादी, पॉपुलेशन, कस्टमर्स, पैटर्न ज़्यादा हो वहाँ पे प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो मैं जो उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, अपने फीडबैक से भी नवाजते रहें और सब्सक्राइब करें इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वबरकातुहू।